हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के सारे डिटेल्स जो होती है, और हर किसी को ये प्रोसेस पता होना चाहिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हर कंपनीज कंडक्ट कराती है ताकि उन्हें ये पता चले कि वो एक ऑथेंटिक कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स उस कैंडिडेट ने प्रोवाइड किया है वो सही है या नहीं है, इट शुड बी ऑथेंटिक। तो इसीलिए ये बीवीजी प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। तो बीवीजी प्रोसेस में चार चीज़ें हैं जो वेरीफाई होती हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पर्सनल आईडीज़ हैं वो। तो दूसरी चीज़ है आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके 10th, 12th और हायर एजुकेशन के डिटेल्स, जो मार्कशीट सबमिट होते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है। थर्ड होता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है। और फोर्थ वेरिफिकेशन होता है आपके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के डिटेल्स। और आजकल एक न्यू चीज़ ऐड हो गई है, वो है आपका UAN नंबर। आजकल कंपनीज जो बड़े बड़े MNCs होते हैं उन्होंने थर्ड पार्टी वेंडर को हायर कर लिया है कि वो उनके बिहाफ पे आपके डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। जो छोटी कंपनीज होती हैं वो खुद ही से चीज़ें वेरीफाई करती हैं। तो जो कंपनीज होती है वो लिस्ट भेजती है थर्ड पार्टी वेंडर को, दीज आर द कैंडिडेट्स दैट हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड वी आर थिंकिंग ऑफ गिविंग एन ऑफर लेटर और वी हैव ऑलरेडी गिवन एन ऑफर लेटर, और वो सारी डिटेल्स भेजती है। उसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है, आपने जो भी चीज़ें सबमिट की हुई हैं वो सारी चीज़ें वो उनको भेजते हैं। फिर वो जो है वो वेरीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका जो भी आपने अपने कॉलेज से रिलेटेड डिटेल्स आपने सेंड की हुई होती है वो कॉलेज विजिट कराते हैं किसी को, और चेक करते हैं क्या इस रोल नंबर का कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट किया है, कब किया है, कब उसने एनरोल किया था, तो वो चीज़ वेरीफाई होता है। और फिर सेकंड आपका एड्रेस वेरीफिकेशन। एड्रेस वेरीफिकेशन वो अपने लोग आपके घर पे भेजते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हाँ आपका घर वहाँ एग्जिस्ट करता है, पिक लेते हैं और लेके आते हैं। और कंपनी टू कंपनी वेरिफिकेशन में आपकी एक प्रीवियस कंपनी को कॉल या ईमेल किया जाता है जिसमें कि आपका रिलीज डेट, जॉइनिंग डेट और आपका डेजिग्नेशन मेंशन होता है, और वो बस कंफर्म होता है क्या इस डेजिग्नेशन का कोई इस डेट को ज्वाइन किया और इस डेट को रिलीज हुआ है, बस इतना ही होता है। और आपके प्रीवियस एम्प्लॉय कॉल पे या ईमेल पे वो रिप्लाई करती है। सो दिस इज़ हाउ अ कंपनी टू कंपनी इज वेरीफाइड। और इन सब वेरिफिकेशन से पहले एक वेरिफिकेशन होता है, वो है आपका UAN नंबर। तो जब आजकल आप देखोगे जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे पैन कार्ड स्टार्टिंग में ही मांगते हैं या फिर एंड में भी तो देना ही होता है। तो जो UAN अगर आपसे UAN मांगते हैं तो भी ठीक है, अगर आपसे पैन कार्ड मांगते हैं तो पैन कार्ड के थ्रू आपका UAN अकाउंट फाइंड करते हैं और वहाँ से वो चेक करते हैं किस किस कंपनी से आपके PF अकाउंट डिडक्ट हुए हैं। फिर वहाँ से अगर किसी ने कोई कंपनी एब्सपॉन्ड किया है, रिज्यूमे में नहीं शो केस किया हुआ है, तो वो चीज़ वहाँ से वो पकड़ी जाती है। समझ लो आपने 5 कंपनीज में काम किए जिसमें से कि एक में आपने एब्सपॉन्ड किया हुआ है, 4 में आपने काम किया हुआ है, तो 4 का आपने सारे डिटेल्स दे दिए, वेरिफिकेशन वगैरह सब चीज़ हो जाता है। पर जो PF अकाउंट के थ्रू, जो UAN अकाउंट के थ्रू जो होता है वो है एब्सकॉन्डेड कंपनी पता चल जाती है जिसकी आपने डिटेल्स नहीं सबमिट किए हुए हैं, तो उस केस में आपका बीवीजी फेल हो जाता है। सो प्लीज़ गाइस मेक श्योर कि आप कोई भी कंपनी एब्सकॉन्ड ना करो, और इस प्रोसेस से आप अवेयर रहो कि एक्चुअली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या होता है, और सबको अवेयर होना चाहिए इस प्रोसेस के बारे में ताकि कोई फ्यूचर में एब्सकॉन्ड करने की भी सोच रहा है तो वो ना करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।